एतसां तारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज मीनाड़ बेन भजन गावाना छे, शुरू करो मीनाड़ बेन। हाँ सर। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण। जय जय श्री सद्गुरु भगवान, जय जय श्री सद्गुरु भगवान। सद्गुरु है प्रणत हितकारी, गुरु हमारे भव भय हारी। कृपा दृष्टि से सबको भर दे सद्गुरु कृपा निधान। जय जय श्री सद्गुरु भगवान, जय जय श्री सद्गुरु भगवान। जो जन इसके शरण में आए भव सागर से पार हो जाए। जो जन इसके शरण में आए भव सागर से पार हो जाए। परम उदार परम प्रेमी प्रभु मिले नैसनु जहान। जय जय श्री सद्गुरु भगवान, जय जय श्री सद्गुरु भगवान। श्री चरणों के हम अनुरागी रहे सदा अतिशय बड़ भागी। शरणागत के दोषन देखे यही सद्गुरु ज्ञान। जय जय श्री सद्गुरु भगवान, जय जय श्री सद्गुरु भगवान। गुरु वचनों में कर विश्वास, पूरी करे वो सबकी आस। जन्म जन्म का साथ है तेरा, तू इनको पहचान। जय जय श्री सद्गुरु भगवान। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण। जय जय श्री सद्गुरु भगवान, जय जय श्री सद्गुरु भगवान। थैंक यू। मैं भी अच्छे भजन गाते थे की बेटा। तो आगे बढ़े, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय चार, ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसके उपसंहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिर के दो श्लोक आज हम देखेंगे। उसके पहले ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। पहले ज्ञान यज्ञ देखा, फिर सभी यज्ञों में श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ, तो भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ। 12 प्रकार के यज्ञ देखे, 12 प्रकार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्ति कैसे होनी चाहिए, कौन अधिकारी है ज्ञान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल भारत ने सोचा है कि ज्ञान देने से पहले उस व्यक्ति की वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए, उसका मन स्वच्छ होना चाहिए। जिसकी वृत्ति और मन शुद्ध हुए हैं, बुद्धि स्वच्छ हुई है, वही ज्ञान का अधिकारी है।
कि ज्ञान में शक्ति है, पर यदि आपकी वृत्ति शुद्ध नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, तो उस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। इसके लिए ज्ञान का अधिकारी कौन है? ज्ञान का अधिकारी बहिरंग चातुष्टय, ये जिसने प्राप्त किया विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार जिसने प्राप्त किया वो अधिकारी हुआ ज्ञान प्राप्त करने का। षट संपत्ति में शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा। आगे एक बार इस डिटेल में हम सोच विचार कर चुके हैं ये क्या है। तो ये बहिरंग चतुष्टय के द्वारा जब हमारी वृत्ति स्वच्छ होती है तब वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। इसके अलावा पिछले श्लोक में, 40वें श्लोक में पिछली बार हमने देखा कि ज्ञान का अधिकारी कौन नहीं है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति, जिसको संशय है, संशय यानी शंका, और शंका का कारण हमने देखा था। शंका किसे होती है? जिसको अधूरा ज्ञान होता है उसे शंका होती है। जिसको क्लियर ज्ञान है, क्लियर नॉलेज है, जिसका कन्विक्शन, जिसकी विचारधारा क्लियर है, जिसे क्लियर दिखता है कि हाँ यही सत्य है, उसे शंका नहीं रहेगी। बट जब हमारा ज्ञान अधूरा है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि साफ दिखता नहीं है हमें। मन में होता है ये मार्ग सही है या ये मार्ग, आज ये करूं कि ये करूं। ये संशय क्यों उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि दृष्टि मेरी क्लियर नहीं है। जब मन में दो चीज हमें खींचती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये करूं कि ये करूं। इसके लिए आगे के अध्याय में भगवान ने कहा था, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है करुणंदर। व्यवसायात्मिक यानी एक निश्चय वाली बुद्धि। सत्संग अर्थात सत्संग, भले ही आज पठान की टिकट आई हो, लेकिन आज ट्यूसडे है, पठान बुधवार को भी हम देख सकेंगे। ये एक निश्चय वाली बुद्धि, ये जब आती है तब शंकाएं निवारण हो जाता है। तो अज्ञान, अज्ञान से रादर अधूरा ज्ञान, ये शंका का कारण है। शंका आने से क्या होता है? शंका आने से हम कर्म नहीं कर सकते। कर्म कब शुरू होता है? जब हम निश्चय करते हैं कि यही सत्य और यही हमें करना है, लेकिन शंका ही है तो कर्म शुरुआत ही नहीं होती। शंका पांव की बेड़ी है, जैसे ही शंका उत्पन्न हुई कि अपने पांव आगे बढ़ेंगे ही नहीं कुछ करने के लिए, तो शंका का निवारण अति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में भी बाधा है और कर्म के मार्ग में भी बाधा है संशय। इसके लिए संशय आत्मा विनिश्यति, विनाश होता है उसका, प्रगति नहीं होती। विनाश का अर्थ ना आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ना सही कर्म शुरू कर सकते हो, जब संशय का उद्भव होता है मन के अंदर। मुझे सब कुछ पता है, मिथ्या अभिमान, इसके कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता है, शंका, ये भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालती है। जब मन में ऐसा हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो माइंड ब्लॉक हो जाता है हमारा, अगला क्या कह रहा है ये हम सुनेंगे ही नहीं। मन के अंदर ये अहंकार है, मुझे तो सब पता है, वो क्या बताएंगे हमें, आई ऑलरेडी नो। जब ये पूर्वाग्रह के साथ हम सुनेंगे तो हमें समझेंगे नहीं, क्योंकि पहले से ही बुद्धि के द्वार बंद कर दिए हमने, मुझे सब कुछ आता है। तो ये मिथ्या अभिमान ये ज्ञान के मार्ग में बाधा है, शंका भी बाधा है। और ये शंका का निवारण कैसे होगा? ज्ञान प्राप्ति से। जैसे सही ज्ञान हुआ, पूर्ण ज्ञान हुआ, अपने आप शंका निकल जाएगी। कल तक जो मैं समझता था वो गलत था, ये सत्य है। जैसे ही ज्ञान हुआ, पूर्ण ज्ञान, तो शंका का स्थान श्रद्धा ने ले लिया, श्रद्धा ने स्थान ले लिया। और जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर अपने आप हमें मनोबल प्राप्त होता है, हमें शक्ति प्राप्त होती है, यस दिस इज राइट।
सारा विश्व कह रहा था कि पृथ्वी मध्य में और सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। एक कॉपरनिकस पोलैंड के साइंटिस्ट 500 वर्ष पहले अत्याचार किए उन्होंने, फिर भी अपने विचार को पकड़ के रखा, सूर्य मध्य में और पृथ्वी घूमती है उसके इर्द गिर्द। ये श्रद्धा, श्रद्धा कहां से उत्पन्न हुई? ज्ञान से। जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने प्रूव किया कि आज तक जो हम समझ रहे थे वो गलत था, ये सत्य है, फिर उसको कोई नहीं हिला सकता। ज्ञान के कारण श्रद्धा आती है, श्रद्धा के कारण शक्ति आती है, और शक्ति के कारण हम सत्मार्ग के ऊपर प्रगति करते हैं। तो शंका ये सबसे बड़ी वैरी है। शंका का निवारण के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करो और दूसरा श्रद्धा उत्पन्न करो। ज्ञान से अपने आप श्रद्धा आ जाएगी और शंका का नाश होगा। शंका का नाश होगा तो सत्कर्म अपने आप शुरू हो जाएगा हमारे से। तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये किसके बारे में भगवान कह रहे हैं? संशयात्मा, जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि उसे श्रद्धा ही नहीं। हमें भगवद गीता के ऊपर श्रद्धा है क्योंकि हमें कृष्ण भगवान के ऊपर श्रद्धा है। कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसके लिए उन्होंने दिए गए उपदेश को भी अपना मानते हैं, वरना हम नहीं मानते। जो हमें अपना लगता है उसकी बात ही मानते हैं। तो नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। न इस लोक में सुखी होगा ना उस लोक में सुखी होगा। खुद तो सुखी नहीं होगा, उसके साथ जितने जुड़े हैं किसी के साथ सुखी नहीं होगा वो। हर एक चीज में उसे डाउट आएगा, ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। माइंड इससे ऊपर ही नहीं उठेगा। There will never be peace in mind। हमेशा कंफ्यूजन, हमेशा डाउट। बुद्धि का फंक्शन है डाउट उत्पन्न करना। अब भले बोले लोग देखो गांव के, दे आर सो हैप्पी, बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं है प्रूव करने में ये राइट है कि रॉन्ग है। नो डाउट, जैसे भगवान ने भेजा है वैसे जी रहे, एंड दे आर मोर हैप्पी। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऐसे ही नहीं कहा। हाफ नॉलेज इज टेरिबल। या तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए या पूर्ण अज्ञान, आधा ज्ञान खतरनाक, बेचैन कर देगा मनुष्य, विविध प्रकार की गलत शंकाएं मन में आने लगे। तो नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। इस लोक में तो सुखी नहीं होगा, इस लोक में गलत कर्म करेगा, इसके लिए परलोक भी उसका बिगड़ेगा, और ना स्वयं सुखी होगा ना उसका परिवार सुखी होगा। जहां जाएगा वहां ट्रबल क्रिएट करेगा। तो ये था हमारा 40वां श्लोक जो पिछली बार हम देख चुके हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन नहीं है? जिसको शंका है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। भगवान कहते हैं श्रद्धा रखनी चाहिए। जब श्रद्धा होगी तो ही राइट पर्सपेक्टिव में हम एक चीज को समझेंगे। अगर हम शंका से ही देखेंगे तो सही तरीके से हमें दिखाई नहीं देगा। ये था हमारा 40वां श्लोक। अब आखिर के दो श्लोक भगवान समापन करते हैं। किसको कह रहे हैं भगवान ये सब? अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन के मन में शंका नहीं थी? बहुत बड़ी शंका थी अर्जुन के मन में, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने ही स्वजनों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, हस्तिनापुर का राज्य स्वीकारना चाहिए या नहीं स्वीकारना चाहिए। He was a confused soul, आधा ज्ञान। यहां तक मन में डिप्रेशन विषाद आ गया कि शस्त्र को छोड़कर रथ के बीच में बैठ गया, भगवान नहीं होगा मुझसे, खुद नहीं लड़ सकेगा, ये शंका नहीं थी उससे कि मेरी मृत्यु होगी। He was confident, उन लोगों को मैं कैसे मारूं, ये तो उसके मन में है ही नहीं कि मेरी मृत्यु होगी, मैं उनको नहीं मार सकता। श्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का, इतना श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी मन एक शंका आ जाने से, बेस्ट वॉरियर इज सेइंग आई कैन नॉट फाइट। ये माइंड कितना पावरफुल है। मनः एवं मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षय।
आपकी प्रगति और दुर्गति सभी का कारण यह मन है। आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा या पुनः जन्म धारण करके पृथ्वी पर आएंगे उसका कारण भी यह मन ही है। ये मन को सुदृढ़ कैसे बनाएं? मन को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्र, मननात त्रायते इति मंत्र, मन का रक्षण करे वो मंत्र। शरीर का रक्षण करने के लिए तो वैक्सीन्स, मन से विषाद दूर करने के लिए आज तक कोई गोली नहीं बनी है। हमारे मन से शंकाएं निकाल दे, हमारे मन से नर्वसनेस निकाल दे, ऑल नेगेटिविटी निकल जाए, ऐसी दवा नहीं, मंत्र से वो होगा। जब अच्छी बातें हम पुनः पुनः रटन करेंगे उसका, तो ये हमारे मन के अंदर स्थिर हो जाएगी और मन सुदृढ़ बनेगा। तेजोसी तेजो मही देही, बलमसी बलम मही देही, ओ जोसी ओ जस मही देही, यजुर्वेद का श्लोक है। भगवान से, परमात्मा से हम ये मानते हैं, तेजोसी तेजो मही देही, आप तेजस्वी, आपका तेज हमें प्रदान करे, आप बलवान है, आपका बल हमें प्रदान करे। जब ये मांगते हैं हम श्रद्धा पूर्वक, तो हमारे अंदर ये विश्वास उत्पन्न होता है कि भगवान उसका तेज मुझे देगा, भगवान उसका बल मुझे देगा। और ये मंत्र है, ये शक्ति है जो हमारे मन को सुदृढ़ रखती है, हेल्दी माइंड। आज टेक्नोलॉजी ने मन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार किया है। आज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मोबाइल है उसके पास। आप ट्रेन में जाइए, देखो कोई किसी से बात नहीं करता है। इतने लोग भरी है ट्रेन, लेकिन सब अपने मोबाइल में, कान में स्पीकर्स है और कोई ना कोई मूवीज चल रही है उसके ऊपर। डिनर के लिए जाते हैं तो सब फ्रेंड्स के हाथ में मोबाइल, फैमिली के साथ जाते हैं आधे लोग के हाथ में मोबाइल। ग्रुप में भी इंसान अकेला हो गया ये टेक्नोलॉजी के कारण। जो दूर बैठे अमेरिका, उसे रोज बात होती है व्हाट्सएप पे, और जो नजदीक बैठे वो दूर हो गए हमारे से। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टेड। इसका असर मन पे होता है। जब कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई बात करने वाला, कोई शेयर करने वाला नहीं होता है, उसका प्रहार मन के ऊपर होता है। मन को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्र। आगे बढ़ते हैं 41वें श्लोक के ऊपर। यदि आपके सामने भगवत गीता है तो आप भी पढ़िए। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्निच्छन्न संशयं आत्मवंत न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। धनंजय अर्जुन का और एक नाम। ये ब्यूटी है भगवत गीता। अर्जुन और कृष्ण को कितने सारे, दोनों ने एक दूसरे को कितने सारे नामों से संबोधित किया है। अर्जुन ने इतने युद्ध जीते थे, जब युद्ध जीतते थे तो उस राज्य के धन संपत्ति भी उसके पास आती थी। इसके लिए धनंजय, जिसने बहुत सारा धन एकत्रित किया है, वैसा अर्जुन। भगवान ने यहां उसे धनंजय कहा। अंत में, अध्याय के अंत में भगवान क्या कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्निच्छन संशय। दो बात कही, ज्ञान के द्वारा संशय को दूर कर, ज्ञान सन छिन्न संशय, छिन्न यानी काटना या उसे दूर कर, ज्ञान के द्वारा संशय को दूर कर, डाउट को दूर कर। यह अभी हमने देखा, अज्ञान के कारण यदि, अधूरे ज्ञान के कारण यदि शंका उत्पन्न होती है, उस शंका को दूर करने के लिए हमें सही ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ज्ञान सन्न छिन्न संशय, ज्ञान के द्वारा शंका का निवारण कर। योग संन्यस्त कर्माण, ये मुख्य है। योग क्या है? आगे के अध्याय में, शायद दूसरे अध्याय में हमने देखा, एक पद आया था, समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग कहा गया है। समता का प्रकरण हमने देखा था, सम का ऑपोजिट विषम। समता होनी चाहिए। किस बात की समता?
राग और द्वेष, ये दोनों से हम अफेक्टेड है। राग यानी आसक्ति, अत्यंत प्रेम होना, बहुत पसंद होना कुछ, राग। और द्वेष वो यानी दूसरा, जो अपना नहीं लगता है, जो अन्य लगता है, दूसरा लगता है, जो मेरा नहीं है, यानी जो पसंद नहीं है, वो द्वेष दूसरा। कुछ चीज हमें पसंद है, कुछ पसंद नहीं है, कुछ व्यक्ति पसंद है, कुछ व्यक्ति पसंद नहीं है, कुछ परिस्थिति, समर बिल्कुल पसंद नहीं है, विंटर पसंद है, ये राग और द्वेष। तो राग और द्वेष से ऊपर क्यों उठना है? राग और द्वेष में यदि हम समान हो जाए तो वो समत्व कहा गया, क्योंकि हमारे सभी कर्म सुबह उठते हैं वहां से लेकर रात को सोते हैं राग द्वेष पर आधारित है। हमें जो पसंद है वही करना है भले गलत हो, हमें जो पसंद नहीं वो हम टाल देते हैं भले सही हो। ये दोनों के बीच में एक जिसे हम ड्यूटी कहते हैं, कर्तव्य कर्म, वो है। भले ना पसंद हो बट कर्तव्य है, करना ही है। सुबह उठ के बहनों को किचन में जाना ही है, कर्तव्य है, भले ही घंटा लाए। भाइयों को ऑफिस जाना ही है, कर्तव्य कर्म, उसमें राग द्वेष बीच में आता नहीं है, अनिवार्य है जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। बट उसके अलावा जो भी हमारे जीवन के कर्म है तो राग और द्वेष से प्रेरित है। पशु पक्षी मुक्त है राग और द्वेष से, वो सहज अवस्था में जीवन जीते हैं, जैसे प्रकृति ने भेजा वैसे ही वापस गए, बिल्कुल प्रगति नहीं की। मनुष्य ने कितनी प्रगति की, जैसे आया था वैसे वापस नहीं गया। चाणक्य ने लिखा था भय निंद्रा आहार मैथुन, ये सभी जीव में समान है, मनुष्य उससे ऊपर उठा, उसने अपने राग और द्वेष पहचाने, राग से प्रेरित होकर द्वेष से प्रेरित होकर वो जीवन जीता गया। और उससे भी ऊपर कुछ मनुष्य आए, हमारे ऋषि मुनि संत आए, जिन्होंने एनालिसिस किया हमारी इच्छाओं को, हमारे निर्णयों को, हमारी वृत्ति को, और फिर कहा ये राग और द्वेष ये तुम्हारे शत्रु है। आपको लगता है मैंने जो पसंद था वो किया, आई एम हैप्पी, बट ये माया जाल है, फंस रहे हो आप इसके अंदर। जिससे द्वेष है उससे हम दूर रहे, हम खुश है, वो आवश्यकता तेरी प्रगति के लिए। ऋषियों ने आकर हमें समझाया, हमारे शास्त्रों ने समझाया कि राग और द्वेष से प्रेरित होकर जब तक हम करते रहेंगे उसका अच्छा या बुरा फल हमें प्राप्त होता रहेगा। यही फल हमें बांधने वाला है, मुक्ति नहीं दिलाएगा हमें, पुनर्जन्म निश्चित। जब तक राग और द्वेष, मुझे जो पसंद है वो कर रहा हूं, मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं कर रहा हूं, ये मुझे जब तक कर्म के पीछे है तब तक फल भी आपका। आप आगे के श्लोक में भगवान ने कहा आपका कर्म, कर्म के फल से मुझे कोई भी लेना देना नहीं, आप जो करते हो, जो करवाते हो और जो आपको फल मिलता है सब आपका, मुझे कहना मत। माता पिता ने बालक को जन्म दिया, उसको बड़ा किया, शादी की, उसका खुद का अभी बच्चे आ गए, परिवार आने लगा, अब जो भी निर्णय वो लेता है वो उसका खुद का है, उसका फल अच्छा मिले या बुरा मिले वो माता पिता को ब्लेम नहीं कर सकता है। क्यों? फ्रीडम चाहिए था ना तुझे, ये ले फ्रीडम, यू आर फ्री टू डिसाइड ऑन योर ओन, तुझे जो करना है वो कर, अगर तुझे ये फ्रीडम चाहिए तो फिर जिम्मेदारी भी तेरी, ये फ्रीडम से तेरी प्रगति हो या तेरी दुर्गति हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अन्य किसी जीव को ये फ्रीडम नहीं है, भगवान ने मनुष्य को फ्रीडम दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार, फ्रीडम है ये, तुझे कर्म करने का अधिकार देता हूं, बट फल का तेरे हाथ में नहीं होगा, तेरे कर्म ही तेरे फल निश्चित करेंगे, ये तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में पढ़ाई करके पेपर लिखने का अधिकार देता हूं, मार्क्स मैं दूंगा,
उसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। तो जब हमने फ्रीडम मांगा, नए कर्म करने का अधिकार मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु, तुझे डेवलप्ड बुद्धि दूंगा, डेवलप्ड माइंड दूंगा, जो इमेजिन करेगा नए कर्म करने के लिए। बुद्धि डिसाइड करेगी कौन सा कर्म करना और कौन सा नहीं करना है। स्वप्न देखेगा तू कि मैं भी पक्षी की तरह उड़ू एक दिन, और वो स्वप्न पूर्ण किया मनुष्य ने। इतनी सतेज बुद्धि थी भगवान ने मनुष्य को। लेकिन फिर तेरे अच्छे और बुरे कर्म सब तेरे। ग्लोबल वार्मिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी। एक्सीडेंट्स हो रहे रेलवेज रोडवेज, रोज के कितने होते पूछो किसी को। यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी। फ्रीडम दिया तुझे तथास्तु, अभी सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, प्रगति भी तेरी, दुर्गति भी तेरी। तू जो कर्म कर रहा है, करवा रहा है, और उसका जो फल प्राप्त है, वो सबका अधिकारी तू, रिस्पॉन्सिबल तू। इसी तरह क्योंकि राग और द्वेष से हम प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं, लेकिन इससे यदि ऊपर उठे हम तो समत्वम योग उच्यते, न राग न द्वेष, स्वयं के लिए मैं नहीं जी रहा हूं, संन्यस्त कर्माणम सम्यक न्यास इति संन्यास, जो अच्छी तरीके से क्या त्याग किया है वो संन्यास। किसका त्याग किया? स्वार्थ बुद्धि का त्याग किया। कर्म का त्याग नहीं है संन्यास, यानी संन्यास यानी स्वार्थ बुद्धि का त्याग है। कल तक स्वयं के लिए मेरे लिए जी रहा था, आज सारे विश्व के लिए जी रहा हूं, ये संन्यास। और ये संन्यास का जो फल है वो मुझे नहीं लगेगा, मेरे लिए नहीं जीता हूं मैं, समाज के लिए, ईश्वर के लिए, जीव सृष्टि के लिए मैं जीता हूं, भूत मात्र के लिए जी रहा हूं। फिर उसका कर्म का बंधन मुझे नहीं लगेगा। योग संन्यस्त कर्म, योग में स्थित हो, राग और द्वेष से ऊपर उठ, और सभी जो व्यक्तिगत कर्म थे आपके, जो स्वयं के लिए आप कर्म कर रहे थे, उसका त्याग कर। ये जब होगा तब तुम्हारे सभी संशय जाएंगे। पहले ज्ञान के द्वारा संशय का त्याग करो, और योग संन्यस्त कर्माण समता ये प्राप्त करो, राग द्वेष से ऊपर उठो, और जो तुम्हारे स्वार्थी कर्म थे, व्यक्तिगत कर्म थे, उस सभी कर्म का त्याग करो। इसमें ज्ञान योग भी आ गया और इसमें कर्म योग भी आ गया। संन्यस्त कर्माणम, ये कर्म योग, सभी जो स्वार्थी कर्म थे मेरे उसका त्याग, और योग यानी समत्वम ये ज्ञान के द्वारा आता है। राग और द्वेष से ऊपर ज्ञान के द्वारा हम उठे। जब हम अपने आप को अंतरंग चतुष्टय श्रवण मनन निधि ध्यास तत्व पदार्थ दर्शन, जब हम सुनेंगे उसके ऊपर मनन करेंगे, और जो मनन करके फाइनली हमें दिखता है उसका निधि ध्यास, यानी यस दिस इज द ट्रूथ, वो पकड़ना और वो उसका पालन कर, ये अंतरंग चातुष्टय, तब जाके तत्व पदार्थ आत्मबोध होता। इसके द्वारा योग संन्यस्त कर्माणम सिद्ध होगा, समता आएगी हमारे अंदर, राग और द्वेष अफेक्ट नहीं करेंगे हमें। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी मरीचि ऋषि कुछ भी इच्छा नहीं करते थे। हमारा भी ऐसा होता है कई बार, हम रोते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है कैसे होगा, हमें पता ही नहीं होता है कि बाजू में जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, बस वहां जाके इच्छा करनी है आपको, बट हमें पता ही नहीं कल्प वृक्ष है किधर। ये ज्ञान की सत्ता है, नॉलेज, ये कल्प वृक्ष है, ये पारसमणि है, ये पता होना चाहिए, नॉट इन द एक्चुअल फॉर्म। क्या करने से मेरा जीवन बदलेगा,
ये पारस मणि। कौन सा निर्णय लेने से, कौन से मार्ग पे चलने से मुझे मुक्ति प्रदान होगी, मुझे सुख प्रदान होगा, आई विल बी एट पीस। ये जो मार्ग है वो कल्प वृक्ष। आई फाउंड द ट्रूथ। गौतम बुद्ध क्या प्राप्त किया उन्होंने? नॉलेज प्राप्त किया तपस्या के बाद। 13 महीने वृक्ष के नीचे अकेले बैठे अपने आप को टटोला, और फिर जो उनकी वाणी बदली, जो भी निकला वो सत्य ही निकला वहां से। फर्स्ट ही वॉज एट पीस, पहले वो स्वयं शांत हुए, फिर उन्होंने लोगों को शांत किया। सत्य ज्ञान इसकी ताकत है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन लाइफ, इसके लिए पहले लाइफ को समझना पड़ेगा। जीवन है क्या? तो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन्न छिन्न संशयम। ज्ञान के द्वारा शंका का निवारण करो और योग संन्यास में स्थित होकर कर्माणम कर्म करो। अर्जुन को कह रहे भगवान, आत्मवंत न कर्माणि निबधंती धनंजय। निबधंती यानी बांधता नहीं है। आत्मवंत, जो आत्मवंत है उसको कर्म बांधते नहीं है। हम संसारवंत है, हम आत्मवंत नहीं है। हम किससे बंधे हुए हैं? हम सारी सृष्टि से बंधे हुए हैं, सारे संसार से बंधे हुए, परिवार से बंधे हुए हैं, हमारी संपत्ति से बंधे हुए हैं, मित्रों से बंधे हुए, हमारी प्रॉपर्टी से, गाड़ी घर ज्वेलरी, संसारवंत है हम, आत्मवंत नहीं। आत्मवंत कौन होता है? जिसे आत्मबोध हुआ, जिसे सत्य का प्रकाश दिखाई दिया, ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति जिसने की, उसे जगत से कोई लेना देना नहीं। संसार की सृष्टि की सारी चीजें हमें आकर्षित करती है क्योंकि हमें आत्मबोध नहीं हुआ, उसकी अनुभूति नहीं हुई। जिस दिन अनुभूति होगी, ये एक भी चीज हमें अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो आत्मवंत है। किसी बाह्य वस्तु पे डिपेंडेंट नहीं है अपने सुख के लिए। आप टोटल मारिए, आपको सुखी करने के लिए कितनी चीजें बाह्य है। अंदर से कभी सुख प्राप्त किया हमने? आज कुछ नहीं कर रहे, अकेले बैठे एंड आई एम हैप्पी, ये स्थिति की अनुभूति की हमने, कुछ नहीं चाहिए बट स्टिल आई एम हैप्पी, ये आत्मवंत। हमें बाह्य चीजों पर डिपेंडेंट है। जिसके साथ अच्छा लगता है वैसे मित्र चाहिए, होटल रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, मूवीज चाहिए, कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये सब हमें सुख देता है। हम संसारवंत है। भगवान कहते हैं आत्मवंत बनो, जो आत्मवंत बनेगा उसे कर्म बांधेंगे नहीं। अर्जुन ने सोचना छोड़ दिया क्योंकि उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ। सामने पितामह को देखा, सामने भाइयों को देखा, सामने गुरु को देखा, मोह उत्पन्न होने से उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया अर्जुन, और उसके कारण अलग अलग शंकाएं उत्पन्न होने लगी। बहुत अच्छा हुआ अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। अगर अर्जुन को मोह उत्पन्न नहीं हुआ था तो हमें भगवद गीता ही प्राप्त नहीं हुई होती। भगवान नहीं कराया होगा ये, उसके माइंड में शंका भगवान ने ही डाली होगी। ये ले, बराबर रथ लेके गए उनके स्वजनों के सामने, देख इसको मारना है तुझे, उसको मोह उत्पन्न हुआ और हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो शो थैंक यू अर्जुन अलोंग विद लॉर्ड कृष्ण, उसके कारण हमें ये प्रसाद मिला, ये उच्चतम उपदेश हमें प्राप्त हुआ। तो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सन्निछन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबधंती धनंजय। ये था हमारा 41वां श्लोक। इसके ऊपर किसी को कोई प्रश्न या कुछ कहना है, चर्चा करनी है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। 41st श्लोक हमने देखा अभी। एनी क्वेश्चंस? श्लोक नो एक क्वेश्चन। हाँ बोलो।
આપણે તમે કહ્યું કે અજ્ઞાનીઓ શંકાશીલ હોય છે. હવે જયારે ન્યૂટને એનો લો શોધ્યો, લો ઓફ ગ્રેવિટેશનલ, ત્યારે બધા અજ્ઞાન હતા કે ભાઈ સફરજન કેમ ઉપરથી નીચે પડે છે. બરાબર, એ અજ્ઞાન હતું એના માટે, પણ એ વ્યક્ત કરીને એને પછી ગોત્યું કે આ લો ઓફ ગ્રેવિટેશનલ છે. તો એ શંકા કહેવાય કે ના કહેવાય? હવે તમને કહું એક વાત, બહુ સારી વાત. આ જ પ્રશ્ન મને થયો હતો કે આ શંકા તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન, એને શંકા નતો એને જિજ્ઞાસા હતી. આ બેમાં અંતર છે. ભાઈ આ જે હતી ને એના મનની જિજ્ઞાસા હતી કે આ નીચે કેમ પડ્યું, ઉપર કેમ નથી પડતું. અને આ જિજ્ઞાસાને લીધે હી ગેઇન નોલેજ, આગળ જતા એને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ. શંકામાં થોડી નેગેટિવિટી છે. યસ, ત્યારે જિજ્ઞાસા ઇઝ પોઝિટિવ, એની જ બીજી બાજુ છે. શંકાની બીજી બાજુ ઇઝ જિજ્ઞાસા. ડાઉટમાં તમે પહેલેથી જ નેગેટિવ ધારી લો છો, આમ નથી, ધીસ ઇઝ રોંગ, ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. ડાઉટમાં પહેલેથી આપણે નેગેટિવ ધારી લઈએ છીએ, નેગેટિવિટી છે શંકામાં. ત્યારે જિજ્ઞાસામાં દેર ઇઝ અ પોઝિટિવિટી, વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ સમથિંગ, ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ. અધરવાઇઝ એક જ કોઈન ની બે બાજુ છે, જિજ્ઞાસા અને શંકા. યા, પગમાં સારું છે ને તમને હવે? એકદમ. આજે જે આવ્યો હોસ્પિટલ. ગુડ ગુડ, વેરી ગુડ. ચાલ, થેન્ક યુ. બીજું કાંઈ કે આગળ વધીએ? એનીથિંગ એલ્સ? સરસ ક્વેશ્ચન પૂછો છો દીપકભાઈ, કીપ ઇટ અપ. બયાલીસમે શ્લોક કી તરફ આગે બઢે, ચોથે અધ્યાય કા અંતિમ શ્લોક જિસે ઉપસંહાર હુઆ ઇસ અધ્યાય કા, જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. કર્મ યોગ કા સેકન્ડ હાફ, સિક્વલ. અભી તો મૂવીઝ મે તો દો દો તીન તીન સિક્વલ આતી હૈ, આજ કા નહીં હે વો. ભગવદ્ ગીતા મેં ભી સિક્વલ, કર્મયોગ કા યે અનુસંધાન, જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસીઓ. ઇસકે બાદ કા પાંચવા અધ્યાય નેક્સ્ટ ટાઈમ શરૂ કરેંગે, કર્મ સંન્યાસીઓ. આગે સે જ્ઞાન હટા દિયા ભગવાન ને, કર્મ ઓર સંન્યાસ પે જ્યાદા યે ફોકસ કિયા. તો 42nd શ્લોક, તસ્માદ અજ્ઞાન સંભૂતમ રુસ્થમ જ્ઞાન સિનાત્મનઃ ચિત્વૈનમ સંશય યોગમ ઉત્તિષ્ઠો ઉત્તિષ્ટ ભારત. અગેન અર્જુન કા નામ ભારત, ભરત વંશ મે જો જન્માયા વો ભારત. ક્લોઝિંગ રિમાર્ક્સ ભગવાન કે, વોટ યુ શુડ ડુ અર્જુન. તસ્માદ અજ્ઞાન સંભૂત રુસ્તમ જ્ઞાન સિનાત્મનઃ. તેરે હૃદય મે જો અજ્ઞાન ઉદ્ભવ હોતા હૈ, અજ્ઞાન યાની શંકા, તેરે હૃદય મે જો શંકા ઉદ્ભવ હોતી હૈ, ઉસે જ્ઞાન સિનાત્મનઃ, જ્ઞાન રૂપી તલવાર સે ચિત્વેનમ, ચિત્વેનમ યાની કાટના. સંશય ઉદ્ભવ કહાં હોતા હૈ? હૃદય મે ઉદ્ભવ હોતા હૈ. શંકા કહાં ઉત્પન્ન હોતી હૈ? જબ શંકા નિકલ જાતી હૈ તો હૃદય મે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. શંકા કા સ્થાન શ્રદ્ધા લે લેતી હૈ. તો ઉસ અજ્ઞાન કા જો ઉદ્ભવ સ્થાન હૈ તેરા હૃદય, વહાં સે જ્ઞાન કી તલવાર કે દ્વારા ઇસે કાટ. સંશયમ યોગમાં તિષ્ઠો ઉત્તિષ્ઠ ભારત. ઉત્તિષ્ઠ ભારત યુ યે ક્યું કહેના પડતા હૈ ભગવાન કો? કે ભારત યાની અર્જુન સિર પે હાથ દે કે બેઠ ગયા હૈ રથ કે નીચે. કઈ બાર ભગવાન ને યે કહા, તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. ઇસકે લિયે હે અર્જુન, ઉત્તિષ્ઠ હો ઓર યુદ્ધ કરને કે લિયે કૃત નિશ્ચય હો. યહાં પર ભી વહી બાત કહેતે હૈ ભગવાન, યોગમાતિષ્ઠો ઉત્તિષ્ઠ ભારત. ઇસમે આગે ઓર એક બાત હૈ, યોગમાતિષ્ઠ
तिष्ठ यानी उसमें स्थित होना, उपस्थित. व्हाट इज उपस्थित? स्थित यानी कोई बैठा हुआ है, उसके जो नजदीक है वो उपस्थित. हम उपस्थित यानी जो आए हुए उसको उपस्थित कहते हैं. तो योग मा तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत, योग में स्थित हो. और योग में स्थित होना यानी अभी देखा हमने समत्वम योग उच्चते, जब हम राग और द्वेष से ऊपर उठते हैं तो फिर उसके बाद हमें कर्म का बंधन नहीं लगता. कर्म का बंधन नहीं लगता तो पुनर्जन्म नहीं, हमें मुक्ति होती है और आत्मा का परम तत्व में विलीन होना संभव होता है. दोनों एक हो गए, दोनों मिल गए, ये योग. तो योग किससे प्रदान होता है? समत्व से योग प्रदान होता है. योग में स्थित हो यानी तेरे राग और द्वेष को दूर कर अर्जुन, समता के भाव से कर्तव्य बुद्धि से युद्ध कर. ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये भाव निकाल दे मन के अंदर से. गलत एंगल से सोच रहा है, तेरी दृष्टिकोण गलत है. तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, सामने जो खड़ा है वो शत्रु है, यही तेरी दृष्टि होनी चाहिए, यही तेरी दृष्टि होनी चाहिए. आज एक बहुत सुंदर क्लिप देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी व्हाट्सएप के ऊपर, एक छोटी सी कहानी कही, वो उनका नाम मुझे पता नहीं है, कि उनके घर पे गांव, छोटा गांव था और वहां तो सब सब्जी वब्जी जो कुछ भी होगा बेचने घर पे ही आते थे सब. तो वो सब्जी वाली आई थी तो जो कह रहा था उसकी दादी माँ ने, उन्होंने 1 रुपया कहा और उन्होंने चारा ना कम करवाया और सब्जी ली उनसे, वो सब्जी वाली से, बूढ़ी थी सब्जी वाली, धूप में आई थी. सब्जी लेने के बाद, चारा ना कम कराने के बाद उसको पूछा, पानी दूं तुझे, बहुत गर्मी है. उसने कहा दीजिए. पानी पिलाने के बाद उसे लगा शायद वो उससे कुछ खाया नहीं, तो पूछा कुछ खाया है कि नहीं. तो उसने कहा नहीं खाया. तो अंदर से जाके जो भी घर में था वो लेके आई दादी माँ और उसको खाने को दिया, वो सब्जी वाली को. और ये वो छोटा बच्चा देख रहा था. वो बालक ने कहा कि दादी माँ ये क्या है, आपने पहले चारा ना बचाया भाव करके, उसको 1 रुपए की जगह 12 ना दिया, तुमने कम दिया चारा, और फिर ये आपने जो खिलाया उसकी कीमत 1 रुपया हो गई. चारा ना बचाया और 1 रुपया का खिला दिया आपने, ये क्या बात है? तो क्या जवाब दिया दादी ने, कितना सुंदर जवाब दिया, कि जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसमें धर्म नहीं लाने का, और जो धर्म है उसमें व्यवसाय नहीं लाने का. वो भाजी लेना वो बिजनेस था, उसमें धर्म नहीं लाने का, भाव से प्रेम से नहीं सोचने का, और खिलाया मैंने वो प्रेम भाव था, मेरा धर्म था, मेरी ड्यूटी थी, उसमें पैसा नहीं गिनने का, बिजनेस उसमें लाने का नहीं. कितनी सुंदर बात है, ये भारत का विजडम. This is राग और द्वेष से ऊपर होना, व्यवहार अपने तरीके से करो लेकिन भाव रखो, प्रेम रखो. टेक केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. जब आप लोगों की केयर करेंगे यू विल गेट इट इन रिटर्न. और सारा समाज, सारे समाज में ये प्रेम भाव, ये पॉजिटिविटी फैले. आज सारे समाज में नेगेटिविटी फैल गई क्योंकि सब शंका की दृष्टि से देख रहे एक दूसरे और सद्भाव नहीं रहा. तो योग मातिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुन को कहते हैं, राग द्वेष से दूर हो जा, तेरा धर्म कर, दिस इज योर बिजनेस, इसमें भाव को मत ला तू. इसीलिए युद्ध करते थे और शाम को जब सूर्यास्त हो जाते थे तो शत्रु कैंप में जाकर अपने जो एल्डर्स थे उनके पैर दबाते थे, पांडव और कौरव दोनों. ये हमारा ड्यूटी था, कर्तव्य था, युद्ध जो भी था वो. लेकिन उसके बाद पुनः प्रेम भाव, हम एक परिवार है. ये भारत की सोच, ये भारत की परंपरा. टू टेक केयर ऑफ यू, दोनों को अलग किया, धर्म धर्म के स्थान पर, व्यवसाय व्यवसाय के स्थान पर.
तो यही बात समझा रहे हैं भगवान, योग में स्थित हो, राग द्वेष से निर्णय मत ले। राग और द्वेष विल फॉग योर माइंड, आपको क्लियर दिखेगा नहीं। जब राग द्वेष से ऊपर उठेगा, सबता में स्थित होगा, यानी योग में स्थित होगा, तब अपना कर्तव्य कर सकेगा। तो फिर योर इमोशंस विल नॉट कलर योर डिसीशंस। हमारा क्या होता है, जहां निर्णय लेने की बात आती है तो हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं, हम गलत निर्णय ले लेते हैं। ये इमोशंस जब समत्व आ जाएगा, राग द्वेष से ऊपर उठ जाएगा, फिर इमोशंस बीच में नहीं आएगा, फिर मोह बीच में नहीं आएगा। तुझे क्लियरली दिखेगा व्हाट इज योर बिजनेस। आप युद्ध मैदान पे खड़े कुरुक्षेत्र के, और सारी पांडव सेना आपके ऊपर निर्भर है, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, आपको आपका युद्ध करना है। हम कितने लकी है ना, हमारे जीवन में ऐसा कभी युद्ध करने की सिचुएशन ही नहीं आई, कभी गए हम सही युद्ध में, कभी नहीं, और जीवन के इतने छोटे छोटे युद्ध से रोज हार जाते हैं। कुछ भी नहीं है अर्जुन की परिस्थिति के सामने, यू हैव टू किल योर ग्रैंडफादर। बोलो, आया कभी ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में? नहीं, फिर भी कैसे हार जाते हैं, कितने दुखी हो जाते, स्वयं दुखी होते हैं और अन्य को भी कर देते हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल रख दिया भगवान ने हमारे सामने, इससे कठिन बताओ क्या डिसीजन हो सकता है। यू हैव टू किल योर ओन फैमिली, उसी में भी आपकी ड्यूटी करनी ही है। फैमिली जब शत्रु के समान खड़ा है सामने, तो एक्सट्रीम सिचुएशन का एग्जाम्पल दिया भगवान ने, ताकि हमारे सामने जो छोटे छोटे दुख आते हैं वो हमें क्या कहते हैं, हम उसे द्रवित न कर दे, हमें चलित न कर दे। अचानक भाई का फोन आ जाए, आज नहीं आ रही हूं छुट्टी, देखो मन की क्या अवस्था होती है। अर्जुन को याद करो, ये प्रॉब्लम उसके सामने कुछ भी नहीं है। योग में उत्तिष्ट नहीं, आतिष्ट नहीं है हम, ये तकलीफ है। हम राग द्वेष से प्रेरित है, इसके लिए दुखी होते हैं। योग मातिष्ठो उत्तिष्ट भारत। तो जब समता से राग द्वेष को साइड पर रखकर हमारे जीवन के जितने भी युद्ध है, रोज नया युद्ध है सुबह से शाम तक, करो एक्सपीरियंस एंड फाइट प्रतीक्षा। जीवन में जितने भी दुख आते हैं हंसते हुए सहन करेंगे, प्रारब्ध कर्म है, किसी के हाथ में नहीं। भगवान ने भी दुख सहन किया जब मनुष्य अवतार धारण करके आया, हमारे से कई गुना ज्यादा दुख सहन करे। फिर ऐसी परिस्थिति में भी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी संबंधों की मर्यादा निभाई, श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ पिता, सबसे इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ शत्रु। उसके शत्रु भी उन्हें श्रेष्ठ मानते थे। ये एक व्यक्ति का लेवल बताता है, यदि व्यक्ति कैसा, ये अगर आपको जानना है तो उसके शत्रु को पूछो। अगर शत्रु भी कहने ये अच्छा है तो उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं। दोस्तों अच्छा कहने ही वाले हैं, रेफरेंस लेना तो दुश्मन का लेना, अगर वो बोले अच्छा आदमी है और कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, दोस्तों सही बोलेंगे। हमारे गुजराती में एक कहवत है ना, वरना वखाण कौन करे वर्णिमा, वर्णिमा ना पूछिए केवो छे, वर बहुत सारो छे, महाराज एवं बीजा कोई नो दिकरो नहीं। शत्रु से पूछो, रेफरेंस लो। भगवान राम के केस में उत्तम शत्रु, एज अ शत्रु, इससे बेटर शत्रु कोई नहीं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कब हो सकता है, जब सभी सिचुएशन में उन्हें योगम योगमातिष्ठो तिष्ठ, ये होता है। हम स्थिर बुद्धि से विदाउट बीइंग अफेक्टेड जब रिएक्शंस देते, अवर रिएक्शंस डिफाइन्स आवर कैरेक्टर। ऐसी परिस्थिति में आपने रिएक्ट कैसे किया, ये निर्भर करता है कि मैं कैसा हूं। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है,
सबके सामने जब परिस्थिति आती है सबकी प्रतिक्रिया अलग। कल सुबह अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे राम, और रात को कहा गया वनवास, नो रिएक्शन, यस जो मेरे पिता की आज्ञा, दैट डिफाइंस राम। ऐसे थे राम। सारे विश्व ने निंदा की, कई कई की, सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं किया, राम ने, हु वॉज अफेक्टेड बाय हर। उसके मुंह में दिखाओ निंदा, कई कई कहीं पर नहीं। समत्व जब आता है तब ऐसे कैरेक्टर निर्माण होते हैं। हम राग द्वेष से अफेक्टेड है, इसके लिए हमारी प्रतिक्रिया भी ऐसी होती है। तो तस्माद अज्ञान संभूतम रुत्स्थम ज्ञान सिनात्मन चित्वैनम संशय। हृदय के अंदर जहां संशय उत्पन्न होता है तो उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटो। चित्वैनम योग मातिष्ठो उत्तिष्ठ भारत, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योग में स्थित होकर हे अर्जुन उत्तिष्ठ हो, अपने मोह को दूर करो, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करो, और युद्ध करने के लिए कृत निश्चय हो। ये श्लोक कहकर भगवान ने चौथे अध्याय का समापन किया। तो ये 42वें श्लोक पर चौथे अध्याय का हम भी समापन करते हैं, और अगले मंगलवार से, सॉरी अगले मंगलवार हमारा अनध्याय होगा, क्योंकि होली है। जब भी बड़े त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, अच्छे या बुरे दिन होते हैं, तब मन अभ्यास में नहीं लगता। इसके लिए शास्त्रों ने कहा है कि उस दिन अध्याय नहीं करना चाहिए, अन अध्याय। बहुत बड़ा उत्सव है दिवाली होली ये सब हमारे, तो उस दिन सब लोग उत्सव मनाएंगे। इसके बाद वाले मंगलवार से हम नियमित हमारा सत्संग शुरू करेंगे 5वें अध्याय से, कर्म संन्यास योग। आज आज के इस दोनों श्लोक के विषय में किसी को कुछ कहना हो तो मोस्ट वेलकम। उसके पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस डॉक्टर राखी वकील, हमारे मित्र समीर वकील के वाइफ है, सेंटा क्रूज में रहते हैं। वुड यू लाइक टू से समथिंग राखी जी? यू आर म्यूट। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। Very nice to join this session. I'm very fond of it, but because of always, as usual, of a fault only time constraint, we don't. But I would love to keep myself updated with all this. And Bhagavad Gita is very close to my heart, and I read whenever I have time, whatever little I can. And I think it is one stop solution for all the life problems, because all the situations in life that any and everybody encounters is definitely there, and it's happening since yug se, so since times immemorial is what is said. And I know a few shlokas of Bhagavad Gita myself, so I chant 15th adhyay or 12th adhyay whenever I can, and love to know deeper meanings, because every time even the same thing you read, you come across something new. It is so powerful, and it is so subjective, and every time the same shlok, you can interpret it in a different way and still learn something. It is a sea, I think it's endless, and it will help us sail through every situation of life. So I'd love to be in this company, and you speak very well, Bijal bhai. Thank you for having me invited on this platform. I'll definitely join as and when I can, but due to my work, I sometimes even have work at odd hours with clients abroad. So I may not be able to, but that doesn't mean that my heart is not here. I'll be definitely joining in as and when I can. Join whenever you can. Thank you so much for your time and the way you conduct the class. I'm very happy, and it's a very wonderful way of, getting integrated with everybody. So thank you for having me invited and having me over. Sorry for joining late. I couldn't join through my mobile. Can I ask something jokingly? Yeah, sure. Your name is Dr. Rakhi Vakil. Are you doctor or Vakil? So I worked for 1 degree and 1 I got for free.
So I married some wedding. Yeah. No, but I belong to a family of lawyers, and my brother himself is a judge, and my grandfather was also judge of the Bombay High Court. So that's I belong right. to a family of lawyers, and in my family there is one doctor and one lawyer. But to my luck, I worked for one degree, and then I got married to Sameer, so I got Dr. Raki Vakil kind of. Yeah, lucky one. Yeah, kai punarjanam na karma hase. That's all. Of course. Of course. Yeah. And that is only, maybe it's our destiny which got us together here on this platform. True. And hope true, to true. Grow together emotionally and spiritually, all of us. Now you joined a bit later. Parivarik Milan mein aapko aana chahiye tha. I've sent the video to Sameer. Sure, I'll take it. Just from it. Yeah. You can definitely speak something whenever we have the next. Sure, definitely. Yeah. Sure. Welcome. Yeah, you were asking something. पहले प्रार्थना कर लेते हैं ताकि जिनको जाना हो वो जा सकते हैं और फिर विश्व शांति की कामना का पाठ करेंगे हम. ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पति शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. बिजल भाई. जय श्री कृष्ण. आज नीता बेन नोता. जय कृष्ण बिजल भाई. हाँ हाँ जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण बिजल भाई. आज ये नीता बेन तो छे. आज लेट जॉइन था यार.